हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज मैं एक फेस के लिए होम रेमेडी लेके आई हूँ। सो इस रेमेडी से आपके जो फेस पे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, जब स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है, तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत बढ़िया है। इससे आपके फेस पे ग्लो आएगा, डार्क स्पॉट्स एकदम से निकल जाएंगे और आपकी जो स्किन है एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो बस इसकी एक ही शर्त है कि आपको इस रेमेडी को वीक में दो बार अप्लाई करना है। देन अगर आपके फेस पे ज्यादा डार्क स्पॉट की समस्या है या पिगमेंटेशन की समस्या है, तो आपको ये रेमेडी वन वीक कंटिन्यू अप्लाई करनी है अपने फेस पे। देन आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। वैसे तो आपके फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। देन अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, तो आपको इस रेमेडी को 1 वीक तक अपने फेस पे रेगुलर अप्लाई करना है। देन आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, आपको बहुत खुश होने वाले हैं। तो चलिए इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो अब हम पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच मसूर की दाल ली है, 1 चम्मच बेसन लिया है, 1 टोमेटो कप स्लाइस लिया है एंड गुलाब जल लिया है एंड मैंने ली है एलोवेरा जल। तो जो अब मसूर की दाल डालेंगे, ये जो दाल का पाउडर है ये घर पे ही मैंने रेडी किया है, बेसन डाल के मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटो का स्लाइस क्रश करके। अगर आपको टमाटो सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको डाल लेंगे क्रश करके। तो टमाटो क्रश हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे गुलाब जल। तो एक स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए जितना हमें गुलाब जल चाहिए उतना ही डालेंगे। या एलोवेरा जल भी डाल दी है मैंने, बिल्कुल छोटा टीस्पून। अब इसमें हम और डालेंगे गुलाब जल। तो अब पेस्ट बनाते जाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पेस्ट को है अच्छे से हमने फेंट लेना है और इस पेस्ट को हमने 5 मिनट ऐसे ही रहने देना है। देन उसके बाद हमने अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो एक गुलाब जल मैंने और डाल दिया, एक स्मूथ सा पेस्ट बन के देखिए। तो ये पेस्ट बन के रेडी है, अब ये फेस पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको फेस पे करेंगे अप्लाई। तो आप चाहे तो इस पेस्ट को अपने हाथों से भी लगा सकते हैं या ब्रश से लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जिस तरीके से आप लगाइए। पेस्ट हमने 20 मिनट तक अप्लाई करके रखना है अपने फेस पे। देन उसके बाद हमने हल्के हाथों से अपने फेस को स्क्रब करना है। इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे आपको। फर्स्ट ही एप्लीकेशन में आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आपको ये वीक में 2 टाइम ये अप्लाई करना पड़ेगा अपने फेस पे मास्क। एंड अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन हैं, तो आप इस फेस पैक को कंटिन्यू अप्लाई करिए 1 वीक तक। आपको रिजल्ट्स खुद महसूस होंगे कि आपके फेस में ग्लो आ गया है, जो डार्क स्पॉट्स हैं वो हल्के पड़ गए हैं। तो उसके बाद सूखने के बाद आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है नॉर्मल वाटर से। नेक पे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप इस पेस्ट को अपने हाथों पे, आर्म पे, कहीं भी लगा सकते हैं और इस पेस्ट को मेल, फीमेल, बच्चे, टीनेजर कोई भी लगा सकता है। इसका कोई भी हार्म नहीं है लगाने में। तो अब टॉवल से अच्छे से स्क्रब सॉक कर लेंगे, अपने फेस को पोंछ लेंगे। तो आप खुद देख रहे हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।